साल भर इंतजार के बाद हो आ गया है हम सबका फेवरेट आम। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे आम खाना पसंद ना हो। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। तो आम आते ही ना तरह तरह की रेसिपी भी बनानी शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आम से ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं एक पके हुए आम जो कि बहुत ही मीठा है। तो बस आम को काट के उसका हमें पल्प निकाल लेना है। आम इतना मीठा है ना, मुझे इसको देख के ऐसे ही खाने का मन कर जा रहा है। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो मैं चलो बना लेते हैं, उसके बाद फिर आम खाएंगे। तो देखिए आम का सारा पल्प ना हम निकाल लेंगे इस तरह से, और आप मीठे आम का यूज़ करिएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। बस ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें आम का सारा पल्प डाल देंगे। तो एक बड़ा सा आम यूज़ किया है और आधी छोटी कटोरी मैंने दही डाली है। बस ध्यान रखिएगा दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। कुटी हुई इलायची डाल देंगे हरी वाली, और काजू डाल देंगे 4-5, और 2 चम्मच हम इसमें शक्कर डाल देंगे। आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं शक्कर। और ढेर सारा डाल देंगे इसमें बर्फ़ के टुकड़े। भाई गर्मी का सीजन है तो ठंडे का आनंद तो मिलना चाहिए, इसलिए बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे एकदम स्मूथ सा, और ये बन जाएगी हमारी मैंगो लस्सी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी ठंडी ठंडी। तो देखिए भाई लस्सी हमारी तैयार हो गई है, तो फटाफट इसे एक ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा ये थिक लस्सी बनी है, बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो बस इसको गार्निश करेंगे थोड़े से काजू, आप चाहें तो बादाम पिस्ता जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर केसर भी डाल दिया है, ऑप्शनल है पूरी तरह से। तो आप अपने मनपसंद के हिसाब से इसको गार्निश करिए और इन्जॉय कीजिए। रुकिए रुकिए, अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है। भाई मैंगो लस्सी तो बन गई है, लेकिन इसके साथ खाने के लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स बना लिया जाए। तो चलिए फटाफट लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, उसमें डालेंगे ढेर सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और भुनी हुई मूंगफली, और थोड़ा सा इसमें काला नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और चाट मसाला पाउडर डाल देंगे, और ऊपर से हम डाल देंगे इसमें नींबू का जूस। बस ये हमारा चटपटा सा मसाला बनके तैयार हो गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, और इसे हम बनाएंगे एक चटपटा सा स्नैक्स जो इस लस्सी के साथ ना 4 चांद लग जाएगा। तो बस मिक्सर हमारा तैयार है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीज़ क्रैकर का बिस्किट। आप कोई भी नमकीन वाला बिस्किट ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए। ये मीठी बिस्किट नहीं है, नॉर्मल है, ज़्यादा नमकीन भी इसमें नहीं है और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस बिस्किट को हम इस तरह से अरेंज करेंगे, उसके ऊपर जो हमने मिक्सर बनाया था ना उसको सारे बिस्किट के ऊपर डाल देंगे। ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी भुजिया, और इसको ना जब खाना हो तभी तुरंत बनाइएगा ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, चटपटा और बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर इस तरह से लस्सी वगैरह बनाए ना उसके साथ भी। तो जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए या फिर शाम के चाय के साथ स्नैक्स खाने का मन करे ना, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत यूनिक सी और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बनाएं और एंजॉय करें। तो चलिए मिलती हूँ एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।